चुनाव से पहले शिवराज सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। कैबिनेट की 24 मार्च को होने वाली बैठक में 6000 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को वैध करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही नगरीय विकास आवास विभाग के अवैध निर्माण की कंपाउंडिंग करने की सीमा 10% से बढ़ाकर 20% करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। दोनों प्रस्तावों को शिवराज कैबिनेट मंजूरी दे देती है तो विधेयक को अध्यादेश के जरिए लागू करने की तैयारी है। इसके बाद नियम बनाए जाएंगे। दरअसल अवैध कॉलोनियों को वैध करने में कई अड़चनें हैं, इसलिए नगरीय प्रशासन ने पेंडिंग नियमों को मॉडिफाई कर नए एक्ट के ड्राफ्ट को मंत्रालय भेजा था। इससे पहले भी नियमों में बदलाव कर राज्य सरकार ने कुछ कॉलोनियों को वैध करार दिया था, लेकिन ग्वालियर हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। कोरोना संक्रमण रफ्तार बढ़ने के चलते कैबिनेट बैठक वर्चुअली होगी। बैठक शाम 4 बजे होगी। मुख्यमंत्री इस बैठक में मंत्रालय से शामिल होंगे, जबकि मंत्री अपने अपने निवास या ऑफिस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे।